जोधपुर के फालोदी में राहुल गांधी ने कहा, पिछले 10 साल प्रधानमंत्री ने आपको अलग अलग वादे किए, डाले नहीं 15 लाख रुपए निकाल लिए, किसान मजदूर युवाओं और छोटे व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल चुने हुए लोगों को देश का पूरा धन दे दिया। राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान के कोने कोने में चले जाओ एक ही नाम दिखाई देगा, एयरपोर्ट अडानी, बिजली अडानी, सारा का सारा फायदा एक व्यक्ति को नरेंद्र मोदी ने दिया है। मैंने उनके बारे में पार्लियामेंट में भाषण दिया, मेरी सदस्यता ले गए, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे फिर एमपी बनाया। मैंने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से ये पूछा, हर इंडस्ट्री में अडानी जी क्यों दिखते हैं। मैंने मोदी जी से पूछा कि आपका इनके साथ क्या रिश्ता है, मेरी सदस्यता रद्द कर दी और फिर मेरा घर ले लिया। ये सोचते हैं कि मैं चुप हो जाऊंगा। मैंने चाबी इनको दी है और कहा, मुझे घर नहीं चाहिए, मेरे करोड़ों का घर है हिंदुस्तान में। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार की एक महिला को हमारी सरकार साल का 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालेगी। हर महीने 8,500 रुपए सरकार उस दिन तक देगी जब तक कि आप गरीबी रेखा से बाहर ना आ जाएं। यदि आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर महीने 8,500 रुपए आते रहेंगे। एक झटके में हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसान टैक्स दे रहा है। राहुल गांधी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद, पूर्व विधायक किसाना राम विश्नोई, पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा, कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी रहे प्रकाश चंगाड़ी, कांग्रेस नेता कुंभ सिंह पातावत, महेश ब्यास, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष इलमुद्दीन मौजूद रहे।